फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ में, जैसे ब्लाउज़ की कटिंग करने से पहले हम बैक साइड निकालते हैं और जो बैक साइड की डिज़ाइन है वो पहले बनाते हैं। तो हम काइट शेप का एक डिज़ाइन बनाते हैं ब्लाउज़ में, बैक साइड में। तो पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो लंबाई है हमारी 14 इंच, तैयार 14 इंच है, तो हम 15 इंच लेंगे, यानी कि 15 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसको कट करना है। पहले हम बैक साइड निकालते हैं और जो काइट शेप का गला है उसकी हम डिज़ाइन बनाते हैं। अभी यहाँ पे हमें गला लेना है 2.5 इंच पे, शोल्डर लेना है 5.5 इंच पे, चेस्ट का 1/4 है हमारा 8 इंच, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे यानी कि सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि 9.5 इंच। यहाँ पे हमने गले का मार्क किया है 2.5 इंच पे, 5.5 इंच पे हम शोल्डर का मार्किंग किया है, चेस्ट का 1/4 लिया है प्लस 1.5 इंच इसमें प्लस किया है, आर्महोल लिया है 5.5 इंच, 5.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बैक साइड है इसलिए हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये आर्महोल का हमने शेप दिया है। अब यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, या हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ हम राउंड शेप देंगे इस तरह से। अभी यहाँ पे हमें 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें गले की लेंथ लेनी है 7 इंच, हम 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अभी यहाँ पे हमें जैसे आपको जितना भी ब्रॉड चाहिए उतने आपके गले का, यहाँ हम एक सेंटर निकालते हैं। जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना ब्रॉड गले की लेंथ ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है। अब यहाँ हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से आप चाहे तो इसमें भी आप जॉइंट कर सकते हैं, चाहे तो इसमें इसके यहाँ पे आप आधा या 1 इंच का गैप भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ गैप रखा है। इस तरह से हमने ये काइट शेप का गले की हमने ये मार्किंग किया है। तो अब ये जो है हम कैनवास पेपर पर इसकी पहले कटिंग करनी है। हमने ये कैनवास पेपर लिया है, इस तरह से ये डबल किया है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है। यहाँ हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ हमें इस तरह से इसका राउंड शेप देना है। यहाँ पे हमें 1 इंच का मार्किंग करना है और यहाँ से 7 इंच पे एक मार्किंग करनी है, उसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना ब्रॉड आप गला ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें 1/2 इंच बाहर के साइड से छोड़ के इसकी कटिंग करनी है।
अभी यहाँ पे आपको बीच में से इसको कट करना है। और जो हमने जो शेप दिया था उसको हम कट करेंगे। इस तरह से हमने ये काइट शेप का गला हमने ये कट किया है। अब इसको हमें कपड़े पे तैयार करना है। इस तरह से हमें ये पहले कपड़े के ऊपर तैयार करना है। पहले हमें इसका इसके लिए गले के लिए ये कपड़ा लेना है, फिर उसके बाद हम ब्लाउज़ को बैक साइड में इसके ऊपर हम गला तैयार कर लेते हैं। तो हमने पहले ये गले की कटिंग की है, अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।